सो गाइस, तो ये मेरा तीसरा व्लॉग है। तो मैंने पहले दो वीडियो डाले थे यूट्यूब पे, तो अभी मेरा तीसरा वीडियो है। और देखते हैं, इधर में बारिश भी आई है, तभी भी हम व्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो पिछले दो वीडियो डाले थे हमने, लिंक है वो डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक ओपन करके वीडियो देखना। और ये वीडियो भी पूरे एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चला मित्रांनो, इथून पुढे आपण बघूया आपल्याला कशावर हरियालीवर व्हिडिओ करायची आहे। तर आपल्याला पाऊस सुद्धा आलेले आहे, तर बघूया मित्रांनो कसा होतो आपला पुढचा सफर। आज आम्ही इधर का नजारा देखने गेला आहे। मैंने पहले भी आपको बोला था कि बारिश आने वाली है, तो बारिश भी आ चुकी है, बहुत जोर से बारिश गिर रही है, तब भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं ये सफर हमारा कैसा रहता है, तो इस सफर में आपको बहुत मजा आएगा, तो एंड तक देखना। तो दोस्तों देखते हैं, इधर का रास्ता भी बहुत खराब है और बारिश भी गिर रही है, तब भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो आगे का सफर कैसा रहता है और आगे की हरियाली और आगे का वातावरण हमको कैसा देखने को मिलता है ना, वो भी हम देखेंगे। देखो इधर में थोड़ी थोड़ी हरियाली है और इधर में भी हरियाली, झाड़ पेड़ पौधे बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो देखते, रास्ता भी ख़राब है और हमको वीडियो बनाने में भी तकलीफ होती है, मतलब कि ऐसे गड्ढे में ऐसा कैसे चलेगा, वो देखो इतना पानी जमा है। अगर एक गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया, उसमें पैर पैर गया, फंस जाएगा, तो मैं गिर जाऊँगा और वो मेरे को भी तकलीफ हो जाएगा। तो ये देखो इधर में कितनी अच्छी हरियाली है, एक इतना अच्छा पेड़ है, और देखते इधर में भी कितनी अच्छी हरियाली है। तो दोस्तों हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखते आगे का नज़ारा हमको कैसा दिखता है और आगे की वीडियो भी हमारी कैसी रहती है। इधर में खड्डे भी बहुत है, तो देखते हैं दोस्तों, आओ मेरे पीछे, चलो देखते हैं हम कैसे जाते हैं, कितना पानी भी बहुत है और सब कुछ है। तो देखते आगे क्या होता है, तो चलो मेरे पीछे। दोस्तों इधर की हरियाली की वजह से इतना इधर का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम बड़े मैदान पे भी जाएंगे, तो उधर का भी नज़ारा हमको देखने को मिला, उधर की हरियाली देखनी पड़ेगी मिलेगी। तो देखते तो आगे चलो मेरे पीछे आओ, तो आगे भी वीडियो भी दिखाऊंगा तुमको, मैं सब दिखाऊँगा, इतना अच्छा इधर का नज़ारा दिखता है। और वो भी है, इधर बारिश भी है छोटी छोटी, तो देखते आगे क्या हमको देखने को मिलता है, कितना अच्छा अच्छा नज़ारा हमको कैसा देखने को मिलता है इधर का, वो भी हम देखेंगे। और भी अच्छे अच्छे हैं कुछ इधर में जगह है, तो देखते हैं। देखो दोस्तों इधर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, देखो सारी जगह पे हिरवाली है, हिरवाली है सब जगह पे, हिरवाली और हिरवाली दिख रहे हैं हमको, किधर भी कुछ भी दिख नहीं रहा, हिरवाली हिरवाली दिख रहे, पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो आगे के मैदान पर जाके भी देखने को मिलेगा, कितनी अच्छी हिरवल है और कैसा है, तो जैसे देखते हैं कैसा है नज़ारा दिखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो देखो दोस्तों इधर में कितना बड़ा फार्म हाउस है और उस तरफ भी फार्म हाउस है, दोनों दो तरफ फार्म हाउस दिख रहे हैं। इधर में छोटा सा खेड़ा गाँव है, वो भी हमको देखने को मिलता है। इधर में बड़ा मैदान भी है, वो भी हमको देखने को मिलेगा। इधर में हरियाली भी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों देखते हैं हरियाली कैसे देखने को मिलती है। इधर का खेड़ा गाँव भी हम तुमको दिखाएँगे कैसा है, और इधर का फार्म हाउस भी हमको तुमको दिखाएँगे। तो देखते ये फार्म हाउस आप देख चुके हो, अभी उस तरफ का फार्म हाउस आगे जाके देखने गए, इधर में कैसी कैसी लोग आके रहते हैं देखते, और जगह भी कितनी अच्छी है, और हमारा बड़ा ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों देखते आगे के जाके अपना बड़ा ग्राउंड कैसे दिखता है ग्राउंड में।
तो दोस्तों देखते हैं हमारा मैदान भी आ चुका है। हम इधर से बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं। तो देखो दोस्तों हमारा मैदान भी कितना बड़ा है, और हम मैदान को अंदर में भी जाके देख सकते हैं। तो अंदर में जाके उसके पास जाके भी देखना पड़ेगा हमको कैसा नज़र है। और उधर में खेड़ा भी दिख रहा है हमको छोटा सा, हरियाली भी बहुत सारी दिख रही है। तो दोस्तों इधर में आने आके हमको बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप भी वीडियो देख रहे हो तो आपको कितना मज़ा आ रहा है वो हमको नहीं पता। तो आगे भी देखते हैं कैसा कैसा हमको देखने को मिलता है, कितने अच्छे अच्छे हरियाली दिखने को मिलती है। वो फार्म हाउस हमको दिख रहा है, इधर में गाँव दिख रहे हैं, उधर में बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़, इधर में मस्त भी दिख रहे हैं। गोटा उनका दिख रहा है, भैंस भीस का गोटा दिख रहा है, वो अच्छे से देखो कैसा गोटा दिख रहा है। और उधर में बहुत सारी हरियाली भी है और पेड़ पौधे हैं बहुत। इधर में ऐसा दिखता है ना, इधर में आने के बाद ना हमको ऐसे लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आए हैं। और ये बहुत अच्छे से दिख रहा है हमको, और हमको भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। इधर में बारिश गिर रही है तभी भी हम भीग रहे हैं, तभी मैं भीग रहा हूँ, तभी मेरे को मज़ा आ रहा है इधर आके। दोस्तों देखते कितना मज़ा आगे तक आएगा, और आगे जाके हमारा मैदान भी हमको देखने का है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा मैदान में और भी हमको समझने आएगा। तो देखते आगे मैदान को क्या क्या मिलता है मैदान में देखने के लिए, और कैसा कैसा रहता है हमारा मैदान का सफ़र। तो मैदान में भी आए हम, तो देखिए दोस्तों मैदान के बाद हम आगे का सोचेंगे आगे क्या करना है हमको। और ये देखो दोस्तों मैदान कितना अच्छा दिख रहा है हमारा। इधर में हम बचपन से मतलब हमारी स्टूडेंट पीढ़ी का इधर में वो हर साल क्रिकेट मैच होते हैं। अभी दो तीन दिन पहले क्रिकेट मैच हुए, पहले दिन तो एक भी टीम नहीं थी, मगर दूसरे दिन इतनी भीड़ हो गई कि शाम तक घर रात हो गई, रात तक क्रिकेट हो गया, फाइनल भी हुई, अच्छे से फाइनल हुई और सेमीफाइनल भी। सेमीफाइनल तो हमारे गांव में रही। तो देखते हैं ये हमारा मैदान है, इधर हम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, और इधर हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी खेले थे, और इसी ग्राउंड में टूर्नामेंट्स इतने हुए हमारे कि बहुत। देखो दोस्तों ग्राउंड भी आपको देखने को मिलेगा, और कितना अच्छा ग्राउंड है। तो दोस्तों देखते इधर भी कुछ भी गड्ढा नहीं है, फड्ढा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दो तीन तड़ गई है, पर ग्राउंड कितना अच्छा है हमारा। देखो दोस्तों इधर से आगे तक देखोगे उधर भी बहुत अच्छा है। और अभी दोस्तों देखिए इधर में बारिश भी आ रही है, तो वीडियो में लगता है इधर में स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से पूरे भीग चुके आम, तो सर्दी जुकाम हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों धन्यवाद। तो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं।